many Christians think like that. बहुत मसीह लोग ऐसा सोचते हैं. They want to say blood of the lamb so loud they want to say. मेमने का लहू करके जोर से बोलना चाहते हैं. When they are afraid also they say blood of the lamb. जब भी डर जाते हैं जोर से बोलते हैं मेमने का लहू. The blood of the lamb is for the remission of our sins. मेमने का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए. Please young generation you must know the scriptures well. जवानी जवान जवानों आपको वचन जानना बहुत जरूरी. Today we find Christians praying for the sprinkling of the blood of the lamb everywhere. आजकल मसीह लोग इस रीति से प्रार्थना करते हैं आपका प्रभु के लहू का छिड़काव हर जगह हो. One day I heard one of the strangest prayers that I have ever heard. एक दिन ऐसा अजीब प्रार्थना मैंने सुना जो मैंने कभी नहीं सुना था. I was so grieved to hear that. वो सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ. One brother was praying for the food. एक भाई भोजन के लिए प्रार्थना कर रहा था. He is praying, Lord, sprinkle your blood upon the food and cleanse it. वो कह रहा था प्रभु आपका लहू का छिड़काव भोजन पर हो भोजन को शुद्ध करो. It is a terrible error. ये बहुत ही बड़ी गलती है. The blood of the Lord Jesus is not to be sprinkled upon our cars, our houses, our plate of rice and various places. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे घर पर हमारे कार पर हमारे भोजन के थाले पर छिड़कने के लिए नहीं है. The blood of the lamb should be sprinkled upon your heart. प्रभु का लहू केवल आपके हृदय पर छिड़कने के लिए है. And your mind. और आपके मन पर छिड़कने के लिए है. For the forgiveness of your sins. कि आपके पाप से क्षमा आपको मिले. Do not devalue the blood of the lamb. प्रभु यीशु मसीह के लहू को कम मत करना. So sacred. ये बहुत ही बहुमूल्य लहू है. So holy. बहुत ही वो पवित्र है. The blood that the Lord Jesus shed. जो लहू प्रभु ने बहाया है. Brother Buxing said was so mysteriously transported into heaven. भाई बक्सिंग ने कहा था बहुत ही अद्भुत रीति से. That blood. वो लहू. Mysteriously transported into heaven. वो लहू बहुत अद्भुत रीति से स्वर्ग पहुंच गया है. It did not see corruption. उसने कोई वहां पर बिगड़ी हालत को नहीं देखा. सड़ाहट को नहीं देखा. It is available for you and for me. वो आपके लिए मेरे लिए मौजूद है. Not to cleanse our house. हमारा घर साफ करने के लिए नहीं. To cleanse your heart. लेकिन आपका हृदय साफ करने के लिए. Claim that blood tonight. उस लहू को आज रात को मांगिए. Be a person who knows the scriptures. आप वो व्यक्ति बनिए जो वचन जानता है. The blood is sprinkled upon us. प्रभु का लहू हम पर छिड़काया गया. It is a spiritual work of God. ये प्रभु का आत्मिक काम है. And our hearts are purified. हमारा हृदय पवित्र किया जाता है. Then what happens? तब क्या होता है? Satan will go out of his job. शैतान का नौकरी खत्म हो जाता है. What does that verse say? वो वचन क्या कह रहा है? Revelation chapter 12, verse 10. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10 वचन. What does he do? शैतान क्या करता है? What is his work day and night? सुबह रात और दिन रात उसका काम क्या है? In verse 10. 10 वचन. Read together, please. हम सब पढ़ेंगे. I heard. फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना. अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है. क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया. What does he do day and night? दिन रात क्या करता है? Accusing us before God. परमेश्वर के सामने दोष लगाता है. Why is that? क्यों ऐसा? There is ground of accusation. क्योंकि दोष लगाने का कारण हमारे पास. Unforgiven sin. क्योंकि हमारे जीवन में पाप क्षमा नहीं किया गया. The moment we confess our sins. जिस समय हम पाप को मान लेते हैं. The moment we ask for the sprinkling of the blood of the Lord Jesus. जिस क्षण में प्रभु के लहू के छिड़काव को हम मांगते हैं. Our hearts are purged. हमारे हृदय शुद्ध किए जाते हैं. By the blood of the lamb. मेमने के लहू के द्वारा. Then Satan will not be able to accuse. Before God. तो परमेश्वर के सामने शैतान दोष नहीं लगा सकता. That is the defeat of Satan. इसी रीति से शैतान हार जाता है. Understand the principle that is written there. इस नियम को आप समझिए जो यहाँ लिखा गया है. It is not something superficial. हमने बाहरी रूप से कुछ नहीं किया है. It is very real. ये बहुत ही सच है. The enemy is accusing. ये बहुत वास्तव बात है. शैतान दोष लगाता है. Mouth will be shut the moment we confess our sins. जिस क्षण हम अपने पाप को मान लेते हैं शैतान का मुंह बंद हो जाता है. That is why I say that is the beginning of the victory. इसलिए मैं कहता हूँ यही जीत का आरंभ है. They overcame the devil by the blood of the lamb. उसने शैतान पर उन्होंने शैतान पर मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए. And by the word of their testimony. और उनके गवाही के वचन के कारण. They loved not their lives unto the death. अपने प्राणों को मृत्यु तक प्रिय नहीं जाना. Those also have its value. जो उसके कीमत को जानते. But take the first one. लेकिन पहला बात लीजिए. The blood of the lamb. प्रभु का लहू. Sprinkled upon the heart. हमारे हृदय पर छिड़काया गया. The human soul is now cleansed. प्रभु मनुष्य का प्राण अभी शुद्ध हो गया. The enemy is so happy doing
accusing is not able to do anymore. अभी बड़े आनंद के साथ जो शैतान हम पर दोष लगा रहा था अभी दोष लगा नहीं पा रहा है. He is cursing himself. अभी अपने आप को श्राप दे रहा है. I'm not able to accuse before God. परमेश्वर के सामने इन पर मैं दोष नहीं लगा पा रहा हूं. This man is clean. ये मनुष्य तो शुद्ध हो गया है. This woman is clean. ये स्त्री तो शुद्ध हो चुकी है. This is Jehovah. ये यहोवा निस्सी नाम है. The Lord my banner. यहोवा मेरा झंडा है. The Lord who gives me the victory. यहोवा जो मुझे विजय देता है. The victory विजय और विजय मुझे मिलता है. Yes dear friend. प्रिय भाइयों प्रिय मित्रों. Come to the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पास आइए. The Lamb of God who gives us the victory. परमेश्वर का मेमना जो हमको जय देता है. The Lamb of God who taketh away the sin of the world. परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है. Any chain of sin that is binding you. कोई भी पाप का बंधन आज आपको बांध के रखा है. Only you know about it. आप खुद इस बात को जानते हो. But you must now tell the Lord. लेकिन आप आज प्रभु को बोलना है. Because God is grieved. क्योंकि प्रभु आज दुखी है. You have given room for the enemy to accuse. आपके ऊपर दोष लगाने के लिए आपने शैतान को मौका दिया है. You are discouraged. आप निराशा में हैं. You are depressed. आप हार गए हैं. Backslidden. पीछे हट गए. Come back. वापिस आओ. The chains will be broken. ये बंधन टूट जाएंगे. The Lion of Judah shall break every chain. And give us the victory again and again. The Lion of Judah shall break every chain and give to us the victory again and again.